हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनता चैनल में। आज हम अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं ऑरेंज टैंकी रेसिपी, जो हम एकदम मार्केट जैसा बनाएंगे, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं ऑरेंज टैंक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हमें आधा कप चीनी ली है, छोटे कप से आधा कप चीनी है। टार्टरिक एसिड है छोटे चम्मच, आधा चम्मच। 5 चम्मच ग्लूकोज है। हमने ऑरेंज फ्लेवर का ग्लूकोज लिया है। फूड कलर है ऑरेंज फूड कलर है। कुछ आज बर्फ के पीसेस हैं और नमक है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने मिक्सर जार ले लिया। उस मिक्सर जार में हम एसिड डाल देते हैं। टार्टरिक एसिड है जो बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। चीनी है, चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद है। 5 चम्मच हम ग्लूकोज डाल देते हैं। और हम फूड कलर डाल देते हैं, इससे अच्छा सा कलर आ जाए। आप चाहे तो पानी में पहले कलर को घोल लीजिए, तब डाल सकते हैं, मिक्स कर दीजिए। अब इसे हमें मिक्सर जार को इसमें हमें पीस लेना है। हमने चीनी ग्लूकोज को पीस लिया है, ये देख लीजिए चीनी हमारी अच्छी तरह से पीस गई है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस तरह से पाउडर बना के डिब्बा भर के उसे फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आपका मन हो ऑरेंज टैंक पीने का मन हो, आप 2 चम्मच 3 चम्मच डाल दीजिए, ठंडा पानी डाल दीजिए, एकदम मार्केट जैसा ही फ्लेवर आता है। हमने सारी देखिए हमने आधा कप चीनी ली थी, 5 चम्मच ग्लूकोज लिए थे, हमारे 1 प्लेट हुआ है। इसमें हमारे बच भी जाएंगे, जैसे हमें डिब्बे में भर के रख देंगे, जब मन करेगा तब हम पी लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। हमने कांच का 2 गिलास ले लिया है और उस गिलास में बने हुए पाउडर को हम डाल देंगे। हमने आपसे पहले बता दिया चीनी आप पे डिपेंड है, आपको कम या ज़्यादा जैसा पसंद हो कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मार्केट जैसा। हमने 2.5 चम्मच दोनों ग्लास में डाल दिए। अब इसमें हम ठंडा पानी डाल देंगे। हम नमक डालना भूल गए थे, इसलिए हम ग्लास में ही नमक डाल रहे हैं। आप सीधा चीनी पीसते समय ही नमक डाल दीजिएगा, एकदम पिंच भर के लगभग। मैंने 2 गिलास में नमक डाल दिया है, खाने वाला नमक था। पहले से हम थोड़ा पानी डालेंगे। मिक्स कर दीजिए। देखिए एकदम मार्केट जैसा, देखने में भी अच्छा अच्छा कलर आया है। हमने ऑरेंज का फूड कलर ही डाला है। हम नमक भूल गए थे, इसलिए हमने नमक बाद में डाला है। इस बात को ख्याल नहीं करिएगा। हम पानी डाल देंगे। क्यूब से डाल दे रहे हैं। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल एकदम मार्केट जैसा। आप इस रेसिपी को आप ऑरेंज टैंक को जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा आपको हमारा ऑरेंज टैंक बनाने का तरीका कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।